हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल के प्रसिद्ध मंदिरों से है, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना, हमीरपुर के मंदिरों को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा के मंदिरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला सिरमौर के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बाला सुंदरी मंदिर की स्थापना 1573 में हुई और राजा दीप प्रकाश ने इसका निर्माण करवाया था। जो बाला सुंदरी मंदिर है उसको 84 घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि 84 घंटियों वाला मंदिर कौन सा है, तो बाला सुंदरी मंदिर जो कि सिरमौर के त्रिलोकपुर में है और इसकी स्थापना राजा दीप प्रकाश ने करवाई थी। इस देवी के तीन रूप माने जाते हैं, एक ललिता देवी, दूसरा बाला सुंदरी और तीसरा त्रिभवानी। ओके, नेक्स्ट है सिरहुल मंदिर। सिरहुल मंदिर की स्थापना जो है वो प्राचीन काल में हुई और इस यहाँ जो है शिवलिंग की स्थापना किसने की थी, आदि शंकराचार्य ने शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। जो सिरहुल मंदिर है यह चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और ये जो है भगवान सिरकुल को समर्पित है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना किसने करवाई थी, आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है भूरेश्वर महादेव मंदिर, या इनको जो है भूरसिंह महादेव भी कहा जाता है, भूरसिंह महादेव। इसकी स्थापना भी प्राचीन काल में हुई थी, महाभारत काल में हुई थी और जो शिवलिंग है उसकी उत्पत्ति जो है स्वयं हुई थी, इसकी स्थापना किसी ने नहीं की थी। यहाँ पे शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत जो है, जब महाभारत हुआ था तो इस स्थान पे जहाँ पे ये भूरसिंह महादेव का मंदिर है, भगवान शिव ने यहीं बैठ के पूरा महाभारत जो है, महाभारत का जो युद्ध है वो देखा था, ऐसा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है गायत्री माता मंदिर। गायत्री माता मंदिर की स्थापना जो है किसने करवाई थी, इसका निर्माण किसने करवाया था, महात्मा परायानंद ब्रह्मचारी ने करवाया था। और ये मंदिर जो है ये कहाँ पे है, ये रेणुका में स्थित है और इसकी स्थापना जो है मध्यकाल में हुई थी। मध्यकाल में गायत्री माता मंदिर की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है गुरुद्वारा पौंटा साहिब। इसकी स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के दसवें गुरु थे, उन्होंने ही यहाँ पे गुरुद्वारा पौंटा साहिब में गुरुद्वारे की स्थापना की थी, स्वयं इन्होंने ही की थी। ये यहाँ 4 वर्ष रहे थे और इन्होंने दसम ग्रंथ यहीं पे लिखा था। नेक्स्ट है जिला सोलन। जिला सोलन में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सुलिनी देवी मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिला सोलन का यह मंदिर। इनके नाम पे ही, देवी सुलिनी के नाम पे ही जो डिस्ट्रिक्ट सोलन है उसका नाम पड़ा है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, बघाट रियासत के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और इन्हीं की जो है एक कुल देवी मानी जाती थी उस टाइम। बघाट रियासत के शासकों की यह कुल देवी थी और यहाँ जो है हर वर्ष जो है सुलिनी देवी का जहाँ मंदिर है वहाँ मेला भी लगता है। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जटोली मंदिर पहले तो कहाँ पे स्थित है, जिला सोलन में है और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1983 में यह बनना शुरू हुआ था और 2013 में यह बन के पूर्ण हुआ। लगभग 30 वर्ष इसको बनने में लगे। और क्यों इसको बनने में 30 वर्ष लगे, क्योंकि यह एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर है। एशिया का जो सबसे ऊंचा शिव मंदिर है वह जटोली मंदिर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन है, सोलन में है और देखने में इतना सुंदर है यह बाहर से ही, तभी तो इसके निर्माण में जो है लगभग 30 वर्ष लगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, जो स्वामी कृष्णानंद परमहंस थे। स्वामी कृष्णानंद परमहंस, उनका नाम जुड़ा है इस मंदिर से, कृष्णानंद परमहंस, उनके आदेश से यहाँ मंदिर बनाया गया था। इन्होंने स्वयं इसका निर्माण नहीं किया था, लेकिन इनके आदेश से यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया था और सोलन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनका सहयोग है इस मंदिर के निर्माण में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जटोली जो शिव मंदिर है,
एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। बनाने में लगभग 30 वर्ष इसको लगे, और यहाँ जो है जो महात्मा थे कृष्णानंद परमहंस, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उनके आदेश से ही यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है काली कटिबा मंदिर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह डिस्ट्रिक्ट सोलन के चायल में स्थित है काली कटिबा मंदिर। 2002 में यह बनाया गया था यह मंदिर, और इसकी यह जो मंदिर है यह संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट है 2002 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन जो पिंडी थी माँ काली की वो पहले से ही यहाँ स्थापित थी, प्राचीन टाइम से ही यहाँ पे स्थापित थी। नेक्स्ट है जिला किन्नौर के प्रसिद्ध मंदिर। जिला किन्नौर में सबसे पहले है चंडिका मंदिर। चंडिका मंदिर की स्थापना और निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है मोरंग मंदिर, महाभारत काल का है यह मंदिर और पांडवों के द्वारा बनाया गया था। पहाड़ की चोटी पे है यह मंदिर। तरंडा देवी, 1965 में इसकी स्थापना की गई, और किसने करवाई थी? सेना के लोगों ने, क्योंकि जिस स्थान पे यह मंदिर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होते थे, इसलिए जो सेना के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट है सांगला मसीम मंदिर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। माठी मंदिर है, इसको मथी मंदिर भी कहते हैं। 500 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, बहुत पुराना है यह मंदिर भी, और यह किन्नौर के अंतिम गांव छितकुल में है। जिला किन्नौर का जो अंतिम गांव है छितकुल, उसमें यह मंदिर स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है गढ़वाल के किसी निवासी ने करवाया था, उत्तराखंड के गढ़वाल के किसी निवासी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है जिला शिमला के प्रसिद्ध मंदिर। सबसे पहले है भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर जो सराहन में है, शिमला के सराहन में है, 800 से 1000 वर्ष पुराना है यह मंदिर, और जो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, जहाँ पे जो माता सती हैं उनके अंग जो गिरे थे उनमें से एक है भीमा काली मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माँ का जो कान है, बायां कान है, वो इस स्थान पे गिरा हुआ था। लेकिन जो नया मंदिर है उसका निर्माण जो है 1943 में करवाया गया था। जो पिंडी है वो बहुत पुरानी है, पहले से ही वहाँ स्थापित थी, लेकिन नए मंदिर का निर्माण 1943 में करवाया गया था। नेक्स्ट है तारा देवी मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 250 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और राजा भूपेंद्र सेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ जो है लकड़ी की ही मूर्ति स्थापित की थी। वहाँ जो अष्ट धातु की जो मूर्ति है वो राजा बलबीर सेन ने स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर नीरत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से सूर्य मंदिर से। सूर्य मंदिर जो है ये 7वीं शताब्दी में बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है परशुराम ने करवाया था। यह उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट शिमला के नीरथ में है, 7वीं शताब्दी में बना है, परशुराम ने इसका निर्माण करवाया था, और ये जो है उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट है गीत मंदिर, जो है ये गीत मंदिर जो है ये शिमला के कोटगढ़ में है। 1936 में इसका निर्माण हुआ और सत्यानंद स्टोकस ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जाखू मंदिर। जाखू मंदिर यहाँ पे जो हनुमान जी हैं उनकी 108 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मंदिर रामायण काल का है, क्योंकि जब जो हनुमान जी हैं जो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे, तब वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे ऋषि याकू से मिलने के लिए, तो ऋषि याकू ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट है हटकोटी मंदिर, 10वीं शताब्दी में बना है, और यह भी पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है पांच पांडवों का मंदिर, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह मंदिर भी, यह भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ओके, नेक्स्ट है जिला चंबा के प्रसिद्ध मंदिर। जिला चंबा के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर। 10वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया और यह राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है यह 6 मंदिरों का समूह है। अगर पूछा जाए कि वह कौन सा मंदिर है जो 6 मंदिरों का समूह है, तो
जिला चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो 6 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट है सुई माता मंदिर। राजा साहिल बर्मन ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मंदिर उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित किया था जिन्होंने चंबा में पानी लाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उनके नेक्स्ट है हरि राय मंदिर। 11वीं शताब्दी में युवराज लक्ष्मण बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर जो है यह शिखर शैली में बना हुआ है और यहाँ भगवान विष्णु की चतुर्मुखी कांस्य की प्रतिमा है। 4 मुखी जो भगवान विष्णु हैं वो है इस मंदिर में। श्री शक्ति देवी मंदिर यह छतराड़ी में है, चंबा के छतराड़ी में है यह मंदिर। 7वीं-8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और राजा मेरु वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अपने शत्रुओं को हराने के बाद उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो माता का मंदिर बनवाएंगे और यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है लक्षणा देवी मंदिर। 7वीं-8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ और मेरु वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्षणा देवी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है। मणिमहेश मंदिर 7वीं-8वीं शताब्दी में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है और मेरु वर्मन ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ठाई माता मंदिर 18वीं शताब्दी में बना है और उमेद सिंह ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अतिरिक्त चामुंडा मंदिर एक और मंदिर है, चामुंडा मंदिर, जिसका निर्माण भी उमेद सिंह ने ही इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया था, चामुंडा मंदिर का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर जो है, जो 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है ज्वालामुखी मंदिर, लेकिन बाद में राजा भूमिचंद ने इसका निर्माण करवाया था और जो रणजीत सिंह हैं, जो राजा रणजीत महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, उन्होंने 1813 में यहाँ पे मंदिर में सोने का जल का गुंबद बनवाया था और यह जो मंदिर है यह गुंबदाकार शैली में बना है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले ज्वालामुखी मंदिर जो है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ पे सती माता की जो जीव जो है वो यहाँ पे गिरी थी। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसका जो स्वर्ण जल का जो गुंबद है वो बनवाया था। राजा भूमिचंद ने बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट है ब्रजेश्वरी मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रजेश्वरी मंदिर, इसकी स्थापना और निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ ब्रजेश्वरी मंदिर है वहाँ जो सती माता का के वक्ष गिरे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लोहड़ी के अवसर पर मक्खन जो है कौन सी देवी को लगाने की या चढ़ाने की परंपरा है, तो ब्रजेश्वरी देवी को लोहड़ी के अवसर पर जो है मक्खन चढ़ाया जाता है या मक्खन उनकी पिंडी को लगाया जाता है। इनकी स्थापना के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन 1905 में जब भूकंप से मंदिर जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था, तो फिर 1908 में ये दोबारा से बनना शुरू हुआ था और 1925 में यह बन के तैयार हो गया था। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि 1905 में भूकंप से जब यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसका निर्माण कब शुरू हुआ था। 1908 में हुआ था, 1925 में यह बन के पूर्ण हो गया था। और लोहड़ी के अवसर पे जो मक्खन चढ़ाने की परंपरा है वो कौन सी देवी को है, तो ब्रजेश्वरी देवी को है। ओके, नेक्स्ट है बैजनाथ मंदिर। 9वीं शताब्दी में यह बना। मयूक और आहूक नामक दो व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शिखर शैली में यह मंदिर बना है और 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है बैजनाथ धाम। बैजनाथ का जो मंदिर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मयूक और आहूक नामक दो व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शिखर शैली में यह मंदिर बना है। चामुंडा मंदिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाण गंगा नदी के किनारे है यह मंदिर और चंडमुंड दैत्यों का विनाश करने के कारण ही माता का नाम चामुंडा पड़ा है। ओके, नेक्स्ट है मसरूर मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9वीं शताब्दी में यह मंदिर बना है और इसका निर्माण किसने किया था, पांडवों ने किया था। इस मंदिर को रॉक कट मंदिर भी कहते हैं। जो मसरूर मंदिर है इसको रॉक कट
मंदिर भी इसको कहते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर, और इसे हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का इसको अजंता भी कहते हैं। मशहूर मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहते हैं, इसको रॉक कट मंदिर भी कहते हैं, और यह भगवान शिव को समर्पित है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट है नागिनी माता मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मंदिर की जो खास बात है वो यह है कि इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो राजपूत घराने से होता है। अगर ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि वह हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर है जहाँ के जो पुजारी हैं वो राजपूत घराने से हैं, तो नागिनी माता मंदिर है। काठगढ़ महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई थी, यहाँ पे शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हुए थे। नेक्स्ट है बेद मंदिर योल, 1979 से लेकर 1980 में इसका निर्माण हुआ, और स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भाक्षुनाथ मंदिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कांगड़ा के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। बगुला मुखी मंदिर जो है, बगुला मुखी जो है उसको बुराइयों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है, और दूसरा जो नाम है माता का वो है पीताम्बरी। माता को पीताम्बरा भी या पीताम्बरी भी कहते हैं क्योंकि इनको पीला रंग जो है वो बहुत अधिक पसंद है, इसलिए उन्हें पीताम्बरी भी कहते हैं। और बुराइयों का नाश करने वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है, तो माता बगुला मुखी को जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर आपके वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।